हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मैगी ब्रेड टोस्ट बनाना सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने प्याज लिया है, इसे स्लाइस में काट लिया है। हमने मैगी ली है, हमने टमाटर लिया है, जो हमने हरी मिर्च काट रखी है, ये हमने अदरक को बारीक काट रखा है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पानी को बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें मैगी डाल देंगे। और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये देखिए हमारी मैगी धीरे धीरे अच्छे से बॉईल हो रही है। इसे 5 मिनट अच्छे से बॉईल कर लेंगे हम। देखिए हमारी मैगी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम मैगी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें मैगी मसाला डाल देंगे। छोटे चम्मच से 1 चम्मच नमक डाल देंगे। देखिए टमाटर हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें बॉईल की हुई मैगी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी मैगी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारी मैगी बनके तैयार हो गई। अब हम मैगी ब्रेड टोस्ट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ब्रेड का स्लाइस लिया है, इसे एक कटोरी की मदद से हम काट लेंगे। हमने ब्रेड को कटोरी की मदद से काट लिया है। अब हम इसमें मैगी भरना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आटे का घोल बना के तैयार कर लिया है। अब ब्रेड के चारों साइड हम इसे लगा देंगे अच्छे से। ब्रेड के दूसरे हिस्से पे भी हम आटे का घोल लगा देंगे।
अब हम इसे मैगी के ऊपर रखकर चिपका देंगे चारों तरफ से। इसी तरीके से बाकी के मैगी टोस्ट बना के हम तैयार कर लेंगे। कि ब्रेड में हमने मैगी को भर लिया है, अब हम इसे तवे पे टोस्ट करेंगे। देखिए तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इस पे बटर लगा लेंगे। अब हम इस पे ब्रेड को टोस्ट करेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे। अब हम इस पे थोड़ा बटर लगा लेंगे। अब हम ब्रेड को दूसरी साइड से भी पलट देंगे और इस पे हम बटर लगा देंगे। ब्रेड को हम हल्का ब्राउन होने तक टोस्ट कर लेंगे। ब्रेड हमारा अच्छे से टोस्ट हो गया है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। हमारा मैगी ब्रेड टोस्ट बनके तैयार हो गया है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल की घंटी ज़रूर दबाएं। एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही ईजी है बनाना।